तो आज हम स्पैगेटी बनाने जा रहे हैं। स्पैगेटी उनको बहुत पसंद है बच्चों को, और हम मसाले भी उतने ही यूज़ करेंगे जितने बच्चे भी खा सकें और बड़े भी। चलें जी, अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। स्पैगेटी, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, चिकन, काली मिर्च पिसी हुई, नमक और सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस। पानी बॉयल होगा, इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है वो मलका मसाला के नमक डालेंगे। स्पैगेटी और पास्ता एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बिल्कुल तंग नहीं करते आपको, और ये बनती भी बहुत मज़े की है। ये जब तक बॉयल हो रहा है तो हम थोड़ी सी कटिंग करते हैं। सबसे पहले गाजर को हम पील ऑफ करेंगे। ये जी गाजर हम छील रहे हैं। अच्छा, मौसम वेदर इतना अच्छा है कि सारी सब्ज़ी जो है इसमें फ्रेश आ रही है। ये हम देखेंगे ऐसे लंबी लंबी इसमें काट रहे हैं गाजर को। ये जो है बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका। चलें जी, ये बॉयल हो गया है, अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड करते हैं। इसको आपने तोड़ना नहीं है, ये खुद ही अंदर चली जाएगी। इसको तोड़ना नहीं है, ये जैसे ही नरम होती जाएगी ये अंदर जाती जाएगी खुद ही, क्योंकि तोड़ने से उसका लुक जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये देखें, ये चली गई अंदर। अच्छा, इसको बॉयल करते वक्त एक चीज़ का और ख्याल रखना है आपने कि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ऑयल हम ऐड करेंगे डालडा का, क्योंकि उससे जो है ये जुड़ नहीं जाती। जिस तरह बाहर आपको बिल्कुल अलग अलग और एक एक अलग अलग नज़र आती है और खूबसूरत लगती है, ये हमने 1 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल ऐड कर दिया। जहाँ माम था वहाँ डालडा। तो आज बच्चों के लिए बन रहा है तो इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी था। चलिए जी, अब हम इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करते वक्त कोशिश करें इसे थोड़ा मिक्स करते रहें, क्योंकि अगर ये जॉइंट हो गई तो ये अजीब सी हो जाएगी। जब तक बॉईल हो रही है हम कटिंग करते हैं अपनी, गाजर कंप्लीट करते हैं। गाजर को आप इस तरह अगर 3 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे और आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, साथ साथ वो बॉयल भी हो रही है और उसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है हमें। आपने कोशिश करनी है कि स्पैगेटी को जब आप बॉयल करें तो इसमें जिस तरह चावल में एक कनी रह जाती है तो हम उतार लेते हैं, इसमें भी एक कनी, यानी कि उसको थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, फिर ना उसका लुक बचता है और ना उसका टेस्ट बचता है। और ये हमने इसका बॉयल पानी निकाल लिया है, अब हमें इसमें इसको डाल के और डालडा का जो ऑयल है वो इस पर डालेंगे ताकि ये अलग अलग रहें, एक साथ मिक्स ना हो। और आप इसका लुक देख सकते हैं कि वो चिपकी नहीं है, बिल्कुल अलग हैं और गल भी गई हैं। अब हम इस पर जो है वो थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने से ये बिल्कुल अलग अलग रहेंगी। इसको हम साइड पर रखते हैं। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे, डालडा कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड किया, थोड़ा फ्लेम जो है हम बढ़ाएंगे इसका। और ये जब तक हमारा चिकन हो रहा है वो थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे। ये हमारे मलका मसाले का जो है लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे। इसको सेंटर से बीच से वो करके
अच्छा, जितनी गाजर जो है वो हार्ड होती है, शिमला मिर्च उतनी ही सॉफ्ट होती है, तो आपने इसे बड़े केयर से काटना है वरना ये टूट जाती है। रिलैक्स होके, इजी इजी, ये देखें इक्वल होना चाहिए पीसेस, ताकि आपकी डिश में जो है वो खूबसूरती आए। जिस तरह गाजर के बहुत फ़ायदे हैं, इस तरह शिमला मिर्च के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और हमें चाहिए कि हम हर खाने में तकरीबन इसे ऐड करें, खास तौर पर जो इस तरह के खाने होते हैं, स्पैगेटी हो गई, पास्ता हो गया, और चाइनीज़ डिशेस में वैसे भी ये ज़्यादा यूज़ होती हैं चीज़ें। साथ साथ हम पहले अपने चिकन को भी देखेंगे। ये आपने बच्चों को ज़रूर ट्राई करवानी है और मुझे फीडबैक देना है कि उन्हें कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। जी, अब हम इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे, हल्का मसाले। सबसे पहले ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने अपने लिहाज से डाली है। सोया सॉस 3 टेबल स्पून, सिरका जस्ट फ्लेवर, सिरका जो है वो सिर्फ अपने फ्लेवर के लिए टच करना है इसमें, क्योंकि अगर आपने सिरका ज़्यादा डाला तो ये खट्टा हो जाएगा। और चिली सॉस हसबे जायका, आपको ज़्यादा पसंद है स्पाइसी तो आप ज़्यादा डालेंगे, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालेंगे। मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। चलो जी, ये ऑलमोस्ट हो गया है, इसका फ्लेम हम करते हैं थोड़ा कम, और इसमें जो है स्पैगेटी ऐड करते हैं। स्पैगेटी को आप इसमें मिक्स करेंगे, और बहुत वेल मिक्स करना है, क्योंकि जब तक ये इसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी, इसका आपको टेस्ट फ्लेवर वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। चिकन सब्ज़ी इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने इसलिए बनाई है कि हमारे कैमरामैन, हमारे डायरेक्टर और हमारा पूरा स्टाफ जो है इसे इफ्तार कर सके। जी नाज़रीन, रेसिपी कैसी लगी, फीडबैक देना है, मेरी रेसिपी रेडी है।